एसीबी ने थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी। देखिए, बड़ी कार्रवाई है एंटी करप्शन ब्यूरो का। महिला थाना के जो प्रभारी है उसके 20,000 रुपया रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा गया है और अभी पूरी टीम वहां पर है और पूरी पड़ताल है वो लगातार जारी है और शिकायत के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो है, अलग अलग जिलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और इस तरह से जो शिकायत आते हैं, इससे पहले भी पुलिस के आला अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी फरियादी को, किसी भी पीड़ित को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर अपराध दर्ज करने योग्य है तो अपराध दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। बावजूद इसकी इस तरह से घूस लेने की शिकायत जब मिली थी तो एंटी करप्शन है और वहां पर पहुंची शिकायत के आधार पर और बकायदा उसको ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम अभी हाल की घटनाओं की बात करें ललित, तो रायपुर में एक बड़ी घटना है और एक ऐसा थाना है जहाँ पे पीड़ित हैं, फरियादी हैं, वो आते हैं और इस तरह की जब घूस लेने की जब बात आएगी तो इस पर बिल्कुल कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अभी कार्रवाई है एंटी करप्शन ब्यूरो की, वो जारी है। जी धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर धमतरी तहसील कार्यालय में भी एसीबी ने दबिश दी। नायब तहसीलदार 50,000 की घूस ले रहा था। कब्जा खारिज करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। प्रार्थी आशीष गोयल की शिकायत के बाद नायब तहसीलदार क्षीर सागर पर एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने रेड मारी है। नायब तहसीलदार 50,000 की घूस ले रहा था। शीर सागर आरोप, जिस पर ये आरोप लग रहे हैं उसका नाम है तहसीलदार, नायब तहसीलदार शीर सागर। आशीष गोयल ने कंप्लेंट की थी, आशीष गोयल से ही रिश्वत मांगी जा रही थी। आशीष गोयल ने इस बात की जानकारी एसीबी को दी। एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रैप बिछाया गया, जाल बिछाया गया और उसमें फंस गए नायब तहसीलदार शीर सागर। कब्जा खारिज करने की एवज में रिश्वत मांगने का यह पूरा मामला है धमतरी तहसील कार्यालय का। जैसे ही एसीबी की टीम यहां पर पहुंची, एसीबी की टीम ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू की, हड़कंप मच गया तहसील कार्यालय में। धमतरी का यह पूरा मामला है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर वो और ज्यादा जानकारी के साथ वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ने वाले। धमतरी तहसील कार्यालय में एसीबी की रेड का पूरा मामला है। नायब तहसीलदार है क्षीर सागर, 50,000 की घूस लेते उन्हें पकड़ा गया है। और अभिषेक हमारे सहयोगी धमतरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, धमतरी तहसील के पोटियाडी गांव में जमीन पर कब्जे का पूरा मामला है। आशीष गोयल नाम के व्यक्ति का जमीन है वहां पर, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा किया था। इसके लेकर तहसील कार्यालय में केस चल रहा था और फैसला होना था। इसी बीच नायब तहसीलदार खीर सागर बघेल द्वारा प्रार्थी आशीष गोयल से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी ताकि उसे जमीन पर कब्जा दिलाया जा सके। इसके एवज में जी, इसकी शिकायत आशीष बघेल द्वारा एसीबी में की गई तो एसीबी ने आज ये कार्रवाई की है। तहसील नायब तहसीलदार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। जी चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी। और इधर रायपुर के एक कार शोरूम में आग लगी, देखते ही देखते आग फैलती चली गई। तेलीबांधा में ये कार का शोरूम है जिसमें आग लगी।
तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई, पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। इस आग में गाड़ियों के पार्ट्स जल गए हैं, फाइलें जल गई हैं, सर्विस सेंटर भी ये बताया जा रहा है। यहां पर फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा फायर ऑडिट भी यहां का नहीं हुआ था। ये तब की स्थिति है जब कुछ ही दिनों पहले हमने देखा कि रायपुर में कितनी भीषण आग लगने के घटनाक्रम हो सकते हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास हम आपको लिए चलेंगे। आकाश, कितनी बड़ी लापरवाही है कि फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं था, वो भी तब जबकि रायपुर में आग लगने का एक लंबा चौड़ा और बहुत ही वाहियात इतिहास है। आकाश जी, बिल्कुल, राजधानी में भरी गर्मी में कई आग लगने के मामले सामने आए और उसमें देखा गया कि फायर फाइटिंग का सिस्टम ना होना, ऑडिट ना कराना, प्रशासन की आंखों में धूल झोंकना, ऐसे कई मामले सामने आए। जब यहां मारुति कार शोरूम में आग लगी तो भी अधिकारियों ने बताया कि वहां पर पूरा सिस्टम नहीं था, आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी कुछ देर से फिर से आग जो है यहाँ पर धधकने लगी है। सीधे तौर पर वो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग अभी अभी थोड़ी देर पहले फिर से सुलगने लगी। कारण ये है कि यहाँ पर जो गाड़ी के पार्ट्स रखे हैं, कई इक्विपमेंट रखे हैं जो प्लास्टिक के हैं, इसके अलावा जो है कुछ केमिकल जो है ऑयल जैसे पदार्थ भी होने की बात कही जा रही है। यहाँ पर शुरुआती समय में एक से दो दमकल की गाड़ियाँ आई थी, लेकिन जिस तरीके से अभी आग फिर से बढ़ने लगा और गाड़ियाँ बुलाई गई और चार दमकल की गाड़ियाँ जो है लगी हुई है, बिल्डिंग में आग की वजह से क्रैक हो चुका है। अब जो है आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी बुलाया गया है, क्योंकि पीछे के रास्ते से वो दीवार को तोड़ा जाएगा और दीवार तोड़ने के बाद जो है वहाँ पर आग में पानी डाला जाएगा फायर दमकल की गाड़ियों से और बुझाने का प्रयास किया जाएगा। और भी प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि जो पूरे सामान थे वो जले नहीं है। पहले जब आग पर काबू पाया जा सका तो धू धू करके जल रहे थे, लगा कि आग पूरी तरीके से बंद हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से धुएं उठ रहे थे उसके बाद जो लगातार हवाएं चल रही थी उसकी वजह से शायद और भी आग भभकने लगे और आग सीधे तौर पर अब फिर से बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह, इसको काबू करने के लिए जेसीबी की गाड़ियां लगी हुई है, जो ऊपर से जो शेड है उसको हटाने का काम किया जा रहा है, पीछे का जो शोरूम का दीवार है उसको तोड़ा जा रहा है जेसीबी की मदद से, ताकि जो है आग फैले ना और इस पर काबू पाया जाके। सुबह शाम को 7:45 बजे करीब ये आग लगा हुआ है और लगातार स्थिति बनी हुई है, प्रशासन लगातार मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हमने बात की फायर फाइटिंग सिस्टम की, तो जब भी इस तरीके से आग वाली घटनाएं हुई है वहां पर देखा गया है अमूमन कि वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम या तो नहीं था, या तो एक्सपायरी कर गया था, या तो उसकी जांच ही नहीं हो पाई थी। यहाँ भी यही बात सामने आई, जो और आयुक्त अविनाश शर्मा ने खुद ही कहा कि सिस्टम नहीं था, हमने पूछताछ की, फिलहाल जो है आग पर काबू पाना प्रमुख उद्देश्य है, उसके बाद बाकी जांच में जो भी सामने आएगा उसके हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए, और दर्शकों से भी हम थोड़ी माफी चाहेंगे, अभी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, कोशिश लगातार जारी है। जो तस्वीरें आपने देखी ऊपर के हिस्से में आग हो सकती है, और वैसे भी ऑयल से जुड़ा हुआ मामला होगा तो आग पर काबू पाना बहुत कठिन होगा। इधर सुकमा से 7 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं, इनसे विस्फोटक बरामद किया गया, जिला बल DRG बस्तर फाइटर ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अंबिकापुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, 4 लोगों पर गैंगरेप के आरोप हैं। जंगल में इस वारदात को अंजाम दिया गया और वारदात के बाद आरोपी फरार है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर से 70-309-4 और 115 BNS का जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये मामला जो है इसमें 4 आरोपी हैं और चारों आरोपी की पुलिस जो है सरगर्मी से इसमें पता तलाश कर रही है।
इधर भिलाई गोलीकांड के दो और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक को नागपुर से और दूसरे को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया है। सागर बाग उर्फ डॉगी, नाम देखिए आप इसका, सागर बाग उर्फ डॉगी नागपुर से गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा मुकुल सोना, इसे दुर्ग से पकड़ा गया है। मैगजीन बरामद हुई है, दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, एक चाकू भी इनके पास से मिला है। अब तक इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इधर रायपुर में एक कर्मचारी ने अपने ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। युवक के बिल्डिंग से कूदने का एक लाइव वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई देता है कि ये चलकर रेलिंग के पास पहुंचता है और फिर नीचे गिर देता, नीचे छलांग लगा देता है। सिर फटने से उसकी मौत हो गई। गिरने के दौरान जोरदार आवाज भी हुई, वो चीखा भी था, इस तरह की जानकारी भी मिली। उसके नीचे गिरते ही ग्राउंड फ्लोर में मौजूद लोग हड़बड़ा गए। ये पूरा मामला राखी थाना इलाके का है। शख्स ने नवा रायपुर स्थित पर्यावास भवन की चौथी मंजिल से कूदकर जान दी है। खबर बिलासपुर से, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां बाजार में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों के गहने पार कर दिए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें नजर आता है कि किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार दो युवक चोरी की वारदात को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जेवर खरीदने के बहाने दुकान में घुसे, लाखों की ज्वेलरी ली और चंपत हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।